बस हम लोग सभी मिस कर रहे हैं उनको, मिस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ होंगी कहीं पे, वो आएंगे जरूर, सच में कह रहा, देखिए कहीं ना कहीं होंगी। हमने लता जी और आपके संगीत में एक बहुत खूबसूरत आत्मा को देखा है, आपकी फिल्मों में, आपके संगीत में लता जी के संगीत का एक नया आयाम देखा है। आज जब ये दुखद खबर आपके सामने जब भी आ जाती है, आपको लता जी के नाम पे क्या याद आता है? बस भगवान करे और ऐसी हजारों लता मंगेशकर पैदा हों, और होंगी और हो रही हैं, और भगवान करे भारत का नाम इनको लेके भारत को लोग पहचाने। और ये तो कभी हम यहाँ, मैंने कहा ना अभी, देखिए यहाँ कहीं होंगी, हम नहीं उनको देख पाएंगे, लेकिन जरूर हम ऐसे कार्य में जरूर हों। बांसुरी वादक फिल्म हर जगह आप छाए हुए। अरे नहीं कितना बड़ा एक तो महसूस हुआ था जब ये खबर सुनी, आपके सानिध्य में गाने वाली एक इतनी बड़ी शख्सियत आप इस दुनिया से रुखसत कर गई। मैं कुछ कह नहीं सकता, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। मुझे कल भी बहुत सारे लोग फोन किए, मैंने कहा आज मत पूछ, अभी तो हुआ है। अब कोई मुझे खाना कैसा, मैंने कहा अभी तो खाया, अभी इतना जल्दी कैसे बताओ, फिर दुख तो रहेगा। वो तो हमारे जैसे परिवार के मेंबर होते हैं, ऐसे थे हम, बहुत प्राइवेट काम बहुत किए। तो फिल्म में आप लोगों ने देखा, जो प्राइवेट हो लोग देखे ही नहीं, मराठी में बहुत सारे कपड़े, तो उनका एक जो चरित्र है, उनका स्वर है, उनका गाना बजाना, वो सबसे भिन्न था। कभी कभी दुख होता है मुझे कि हमारे मियाँ तानसेन जी थे, कितने बड़े लोग, लेकिन जो आज उनको भारत ने जो सम्मान दिया, भगवान करे ऐसे ही सम्मान सब कलाकार, बहुत अच्छी बात। लता जी के साथ आपने काम किया है तो कुछ अच्छी यादें भी होंगी, बताएं ना। अब मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूं, पैसा एक ही होता है ना, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सोना लगता है, कुछ लोगों को इधर उधर छिपा के रखते हैं, तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो याद कभी भूलेगी नहीं। मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा, सब मौजूद हैं अभी, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब मैंने पुष्पांजलि दीदी को फ़ोन किया कि ये इच्छा है मेरी प्रतिभा की जी के हाथ से एल्बम का विमोचन हो, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं, क्या म्यूज़िक है, उनको पहले सुनाएं। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस की जो हाजिरी लगी है वो बाबूजी के चरणों पे लगी है। मैंने कहा तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन चीज़ों को छूने के लिए एक दो मूर्ति बनाई हुई है, एक ताजमहल है, एक किला है, लाल किला, और हम इन दोनों में कुछ क्या बनाएं वो समझ में, लेकिन ये ऐसे हैं, भगवान ने इनको ऐसा, इनके माता पिता का आशीर्वाद, उसको एक अलग ही उसको रुक दिया, ऐसा दिया कि मैं क्या कहूँ कि कैसे ये आइडिया आता है, मुझे कितना आप चेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा चेंज किया कोई सिवाय तारीफ के और कुछ चेंज कर। सभी अच्छे हैं, बाबुल बरन सब देखे, हर का कलर अलग है। आपने कभी बांसुरी वादन या इन लोगों के साथ में? नहीं, हम लोग तो सुन सुन कर हम इनका आशीर्वाद बड़े हुए हैं। काश मैं ऐसा अवसर मिले तो मैं जरूर करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने उनसे सीखा भी, बजाया भी साथ में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में। हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा। आप प्रतिभा जी हैं? हाँ, इन्होंने तो कहा है भाई कमाल, देखे ये ऐसा है, तब बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। थैंक यू। आप सिर पे हाथ रख देंगे तो? नहीं नहीं, बस हो गया हमारे यहाँ, बहुत कल हम आपसे कहेंगे आप मेरे सिर पे हाथ। अरे अरे, कैसी बात कर रहे हैं।
आइए चलो आइए। नमस्कार नमस्कार आइए इधर से जाना। अच्छा दीदी